नमस्कार। एक बार फिर से जो हीना परवीन के समर्थक जो है इस वक्त जो है कोकदोरों पे, आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ में, सैकड़ों के समर्थकों के साथ में कोकदोरों पे पहुंची हुई है अपने समर्थकों के साथ में। और इस वक्त जो है यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष निशा भगत भी उनके कैंपेनिंग कर रही है। निशा भगत जी, निशा जी, जी क्या कुछ लग रहा है हीना परवीन के यहाँ पर समर्थक को देखते हुए, क्या कैसा लग रहा है कि चुनाव पे इनके क्या प्रभाव है? जिस तरीके से हीना परवीन जी का जो जोश के साथ वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और पूरी कांग्रेस की भी पूरी युवा टीम आकर के यहाँ प्रचार कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके टक्कर में कोई नहीं है। चूंकि इनका जो कार्यशैली है वो सोच लीजिए आपकी, आज भी वृद्धा पेंशन के लिए लोग को बोलना पड़ रहा है कि वृद्धा पेंशन, आज भी बोलना पड़ रहा है सड़क और रोजगार की बात हो रही है। हम कहते हैं कि हम जब युवा आएंगे तो इस बार पूरी तरीके से पंचायत को, ना पंचायत की सरकार को बदलने का पूरा पेड़ा उठाएंगे हम लोग। और जो माहौल है हीना परवीन जी का कि लग रहा है कि इस बार पूरे युवाओं की जोश खरोश के साथ में जीत पूरी पक्की तय है, तो हम लोग पूरी तरीके से समर्थन दे चुके हैं पूरी कांग्रेस के युवा की टीम। और जिस तरीके से आप जान रहे हैं, इन पीढ़ी से भी लोग आए हुए हैं और कई क्षेत्रों से युवा यहां पे आए हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि हीना परवीन जी पंचायत के जितने भी क्षेत्र है उसको सुधारने का कार्य कर सकती है वो। निशा जी, बहुत जल्द आप लोगों ने भी एक ऑनलाइन चुनाव हुआ था और आपने प्रदेश उपाध्यक्ष का आपको व्यापार समर्थक मिला था, ग्रामीण क्षेत्र से वोट मिला था। हीना परवीन एक महिला प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए लग रहा है क्या कि हीना परवीन खरा उतर पाएगी उनकी उम्मीदों पे? ग्रामीण क्षेत्र पंचायत चुनाव है, आप लोग इस चुनाव किस नजर से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी दीदी जो है प्रियंका जी ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी तर्ज को लेते हुए चूंकि झारखंड की बेटी लड़ना जानती है और लड़ करके आएगी और रोज जीत के दिखाएगी, हम ये कहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और ये हीना परवीन जी वो साबित करेंगी। मैडम, आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहा है, किस तरह से हीना को यहाँ पर समर्थन आप लोग को लग रहा है कि मिल पाएगा यहाँ पर? सबसे पहली तो हीना परवीन जी एक महिला है और ये सामने आकर हिम्मत कर रही हैं लड़ने की, और पूरी उम्मीद है कि हीना परवीन जी ही यहाँ से जीतेंगी। रही बात यहाँ के जो ये काम करेंगी कैसे करेंगी, तो मुझे भी उम्मीद है, हम सब युवा इनको इसीलिए सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये भी एक युवा है और युवा नज़र से यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हीना परवीन के समर्थक में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे उतरे हैं, हीना परवीन भी हमारे साथ में। हीना जी, क्या कुछ लग रहा है कोकदोरों पे आने के बाद में? बढ़िया जी, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं लोग, जी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। मैं कोकदोरों पे पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक एक डोर टू डोर आप घर जा रही हैं, क्या यहाँ पर लग रहा है कि लोग अपने समस्याओं को बता रहे हैं? जी जी जी, पानी का समस्या बता रहे हैं, रोड का समस्या बता रहे हैं, वृद्धा विधवा पेंशन अभी तक नहीं हुआ है ये बता रहे हैं, तो ये सब मैं सुन रही हूँ और करने की कोशिश करूँगी मैं आगे। जिस तरह से यहाँ बात करें नाली सड़क आप जहाँ पर चल रही है उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता होगी इस गाँव के लिए? एक रोड का ही। हमारे साथ मजकूर महिलाएं भी साथ में है, मैडम आप बताएंगे क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर कोकदोरों पे आते हैं? कोकदोरों में तो बहुत सारे समस्या दिख रहा है, रोड का समस्या दिख रहा है, घर का समस्या दिख रहा है, नाला का समस्या दिख रहा है, जो हमारी हीना जो जिला परिषद की हीना परवीन जो उठी वो देख रही है, पूरा मोहल्ला मोहल्ला घुस के देख रही है कि क्या समस्याएं हैं, वो अगर निकल गई तो सारे समस्या का हल करेंगे। लगातार जो हीना परवीन का जनसंपर्क अभियान चल रहा था, कुछ दिन पहले इचापड़ी पंचायत पे चला था, आज कोकदोरों पंचायत पे, आप इस भीड़ से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उनके समर्थन पे लोग यहाँ पे जुटे हैं वोटर, और जिस तरह से लग रहा है कि हीना परवीन को अपार समर्थक मिल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जी। मैं तो शहरी क्षेत्र से हूँ, हिंदपुरी युवा कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि
जो यहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जमील भैया को समर्थन मिल रहा है, आने वाले दिन में जो है हिना भाभी हम लोग को जीतने वाली है। और कई योजनाएं हैं देखने को मिल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में मिल नहीं रही है, और ये पूरी उम्मीद है कि हिना भाभी इस करने वाली है इसको। पंचायत चुनाव को बोला जाता है गांव की सरकार है, या होना चाहिए आप लोग अपने नज़र? देखिए, अगर विकास होता तो हमें बोलना ही नहीं पड़ता, हम वादा ही नहीं करते। अब हमें उम्मीद है कि अगर जमील भी आएंगे तो विकास होगा। तो ये देखिए, हिना परवीन के यहाँ पर जो समर्थक थे, और कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर हिना परवीन के समर्थन में इन्होंने अपने जीत को सुने लेके आश्वस्त है, और जिस तरह से अपार समर्थक मिल रहा है यहाँ पर। आप सबको आदाब जोहार, मैं हिना परवीन कांके 18 से जिला परिषद उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है, क्रमांक संख्या 6। इस पर मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए। खरा उतरने का काम करेंगे हमारे हिना परवीन जी। हम लोग को लगता है कि ये हर समस्या का हल करेंगे। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। इस बार बदलाव है, जनता चाह रही है विकास को चुने,